हेलो दोस्तों, तो आज बिना किसी बकचोदी के साथ वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। ये बनाएंगे व्हाइट मेयोनीज़, उसके साथ हमने ग्रीन चिली चॉप किया एंड ग्रीन कोरिएंडर चॉप किया। फाइनली ये बॉईल करने के लिए काजू चढ़ा रहा हूँ मैं, काजू और ग्रीन चिली डाल के मैं इसको अच्छे से बॉईल करूँगा। जब बॉईल हो जाएगा तो इसको हमें ये देखिए काजू बॉईल हो गया। बॉईल होने के बाद इसको हमें स्टीनर में डालना है। स्टीनर में डालने के बाद उसको अच्छे से वॉश करना भाई, क्योंकि इसमें ना थोड़ा कालापन सा रहता है, तो अच्छे से वॉश करेंगे वाइटनेस दिखेगी, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके साथ अभी क्या करना है, काजू हो गया, चिली हो गया, इसी के साथ चीज़ डालना है मिक्सर में। चीज़ डाल दिया, चीज़ डालने के बाद इसमें कुकिंग क्रीम ऐड करना, जितना ज़रूरत है अपने मैरिनेशन के हिसाब से इसी में ऐड करने की कोशिश करना, क्योंकि बाद में ज़रूरत ना पड़े। अगर तुम चाहो तो डाल सकते हो बाद में भी, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैंने इसी में ऐड किया है जितना मेरे को चाहिए था, और उसी के साथ काजू और ग्रीन चिली भी डाल दिया उसमें। अभी काजू ग्रीन चिली डाले, इसको जो है मैं जो मिक्सर में डालकर मैं अच्छे से पीस लेता हूँ। ये देखिए फाइन पेस्ट बन गया। अभी इसी के बाद हमें हैंड कार्ड लेना है, अच्छे से हैंड कार्ड लिया। हैंड कार्ड लेने के बाद अच्छा ये प्रोसेस था इसका, पहले करना था बाई मिस्टेक डिफॉल्ट मिसिंग हो गया था, तो उसके बाद हमने ये लिया, ऑयल डाला एंड चीज़ डाला एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड थोड़ा सा नमक डालूंगा मैं इसमें भी। देखिए नमक भी डाल दिया। अच्छा ये नमक डाला, अब इसको ना अच्छे से मैश करना ताकि इसकी जो चीज़ है ना एकदम मेल्ट हो जाए, क्रीमी सा होना चाहिए। देखिए मैंने इसको मैश कर लिया अच्छे से, जल्दबाजी में था थोड़ा, तो जैसे तैसे हुआ खींच दिया, ठीक है। ये हमारा मैश हो गया जो हैंग कर लिया था। अभी इसको हमें क्रीम की तरफ फैटना है, जितना फैट सको फैट लेना ताकि एकदम मजा आना चाहिए मैरिनेशन में। एक दाने नहीं बचने चाहिए, दाने बचेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। ये देख सकते हो आप क्रीमी हो गया। उसी के बाद साथ जो हमारा काजू और चीज़ का जो पेस्ट था ग्रीन चिली का, उसको मैं ऐड किया है। उसको ऐड करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा मैं मसल लेता हूँ, मैं मिक्स कर लेता हूँ ताकि कुछ वो मिस्टेक ना हो, ठीक है। देन थोड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा था, तो मेरे को मैंने कहा थोड़ा ऑयल भी तो डाल जाता ही है, तो वैसे उसी में डालना चाहिए था ऑयल, पिछले वाले में जितना डाला था ऑयल डाला, और उसी के साथ वाइट पेपर भी डाला। वाइट पेपर डाल सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मैं ग्रीन चिली यूज करता हूँ ज़्यादातर, और ग्रीन पाउडर कोरिएंडर, इतना कुछ डाला। उसी के साथ ही हमारा भुना हुआ कसूरी मेथी होता है, तो उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एंड ये इलायची पाउडर है, फाइन पे वो एकदम फाइन पाउडर है, और ये थोड़ा नमक, नमक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा अभी चाट मसाला भी मैं ऐड कर दिया है। अच्छा ये मसाले होने के बाद अभी हमें इसमें फालतू का कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करना है। चाहो तो आप शुगर ऐड कर सकते हो, नो इशू, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करता क्योंकि मैं खुद भी ऑप्शनल है, मैं छोड़ता हूँ ज़्यादातर। अभी जो हमारा वो बचा हुआ था ना, ये चीज़ काजू का, चीज़ का और वो जिंजर गार्लिक का चीज़ का पेस्ट बचा था, तो इसको भी मैंने मिक्स कर लिया और अच्छे से फैट दिया, ठीक है। मैरिनेशन तो बन के भाई रेडी हो गया। अगर आपको और भी कुछ यूनिक नई रेसिपीज वगैरह कुछ चाहिए हुआ करें प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, और वीडियो अच्छा लगा करे तो दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो। और ये फाइनल लास्ट में लेमन जूस डालकर साइनिंग दे दिया है। ऐसे ही न्यू न्यू रेसिपीज के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको तंदूर से रिलेटेड, जैसे कि रेड मैरिनेशन, येलो मैरिनेशन, ग्रीन, ब्राउन, इट इज ईच अदर, कुछ भी चाहिए और कोई भी कबाब हो, किसी के बारे में पूछना हो, तो मेरा कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको फुल डिटेल में दूंगा। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, बाय।